हाय एवरीवन, विवेक गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। टुडे इज़ 27 अप्रैल 2020 और आज के इंडियन एक्सप्रेस पेपर में एक छोटा सा आर्टिकल निकला हुआ था एक्सप्लेन कॉलम में, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉर योर एग्ज़ाम। और ये जो न्यूज़ है कि हाउ एमपी एलईडी स्कीम वर्क एंड हाउ फॉर इट्स सस्पेंशन विल हेल्प कोविड-19 फाइट। कि आपको ही पता है कि जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्लियर दिस मंथ द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम सो दैट दिस फंड वुड बी अवेलेबल फॉर इट्स कोविड-19 मैनेजमेंट एफर्ट। कि आपको ही पता है कि इस महीने में क्या हुआ कि भारत सरकार ने जो एमपी एलईडी जो स्कीम है जिसमें चाहे कोई भी सांसद हो, लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो क्या बोलते हैं राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, उसको हर साल जो है अलग से 5 करोड़ रुपए मिलता है अपने लोकल एरिया में डेवलपमेंट के लिए खर्च करने के लिए। तो इस स्कीम को ख़त्म कर दिया गया है, इसलिए ख़त्म किया गया ताकि जो कोविड-19 की जो एपिडेमिक है उससे इस पैसे से उसको हेल्प किया जा सके। तो हम थोड़ा इस स्कीम के बारे में समझते हैं। जनरल क्वेश्चन तो जो आपके एग्ज़ाम में जनरल क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो एमपी लैंड स्कीम है मेंबर, एक सेकेंड, जब भी हम बात करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट जो फ़ंड होता है, इस फंड में हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 5 करोड़ मिलता है। सेम इसी तरीके का एक सिमिलर फंड होता है जो राज्यों में होता है, जिसको एमएलए एलईडी बोलते हैं। एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड। तो ये जो फंड होता है, अब जैसे कि ये तो फिक्स है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको तो हर साल 5 करोड़ मिलता है, लेकिन राज्यों में अलग अलग फंड होते हैं। अगर हम राज्यों की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो जैसे दिल्ली को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एलोकेशन है, दिल्ली के एमएलए को हर साल 10 करोड़ रुपये मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है कि दिल्ली के एमएलए को 10 करोड़ रुपये मिलता है, और पंजाब और केरला में ये 5 करोड़ है, आसाम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक में 2 करोड़ है, यूपी में भी 2 करोड़ था, अब उस 2 करोड़ को 3 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया गया। तो जो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ दिखाई दे रहा है करंट अफेयर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखेंगे कितनी अमाउंट किस किस स्टेट में क्या क्या है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं तो ये जो स्कीम है इसको गवर्नमेंट ने अभी के लिए सस्पेंड कर दिया है क्योंकि कोविड-19 जो क्राइसिस है उस क्राइसिस को इससे बचाया जा सके, ठीक है। मतलब इस पैसे का यूज जो है वो कोविड में किया जाए, इसलिए इस फंड को फ़िलहाल के लिए सस्पेंड किया गया है। बाद बाकी इस फंड की हिस्ट्री में चलते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, वैसे ये इंडियन एक्सप्रेस पेपर में आज ही के पेपर में बाकायदा इसके ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो वहाँ से भी PDF डाउनलोड करके उसके पूरे सीरीज को, उसमें से मेन मेन जो पॉइंट है उसको आप नोट कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं जितनी बातें बता रहा हूँ उतनी बातें आप नोट करके रखो। अच्छा, कि अब इसमें बात आती है कि व्हेन डिड द स्कीम स्टार्टेड, ये स्कीम कब स्टार्ट हुई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेट, पीवी नरसिंहा राव उस समय प्राइम मिनिस्टर थे और 23 दिसंबर 1993 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। अच्छा, उस समय क्यों, क्योंकि एक बात थी कि क्योंकि उस समय जो नरसिंहा राव थे, ये जो पीवी नरसिंहा राव हैं बहुत ही फेमस प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, इन्हीं के टाइम पे बाबरी मस्जिद भी गिरी थी और इन्हीं के टाइम पे जो है बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था। तो जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, मतलब वो मेजॉरिटी में नहीं थी, और उस समय बहुत सारे चेंजेस किए गए थे पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे। उसी समय इलेक्शन कमीशन, जो इंडिया का इलेक्शन कमीशन है, वो एक मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया था, और क्योंकि उस समय क्या बोलते हैं और इसी समय की बात है, 1993 की बात है कि पार्लियामेंट में हाई कोर्ट के एक जज थे बी रामास्वामी, उनके ऊपर पहली बार इम्पीचमेंट का प्रोसेस भी इनिशिएट किया गया था। तो वो एक समय ऐसा था जो बहुत ही क्रूशल टाइम था। उस क्रूशल टाइम में ही क्या बोलते हैं, ताकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो माइनॉरिटी से मेजॉरिटी में आ जाएं, किसकी तरफ, पीवी नरसिम्हा राव की तरफ, तो उसके लिहाज से इन्होंने इस स्कीम को क्या किया था, उसने लॉन्च किया था। तो जहाँ तक बात रही इसमें आपको क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं, सबसे पहली बात, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हर साल कितना मिलता है, 5 करोड़। ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, 23 दिसंबर 1993 की, इसके समय हु इज़ अ प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम,
पीवी नरसिम्हा राव। सेम इसी तरीके की स्कीम जो है राज्यों के पास भी होती है, जिसको हम एमएलए एलईडी बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड। इसमें दिल्ली के एमएलए को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, वो मिलता है 10 करोड़, ठीक है। इसके बाद फॉलोडेड बाय पंजाब एंड देन केरला। इसके बाद बाकी स्टेट के बारे में वो आर्टिकल में लिखा हुआ है, जिसमें आसाम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक को 2 करोड़, और यूपी में अभी हाल ही फिलहाल में 2 करोड़ से 3 करोड़ किया गया। तो पॉइंट ये पॉलिटी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 27 साल से ये स्कीम चल रही है, और 27 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि ड्यू टू क्या बोलते हैं कोविड-19 इस को सस्पेंड किया गया है। तो आप इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और इस पैसे का जो इस्तेमाल ये लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि ये जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है वो डायरेक्ट किसी एमपी या एमएलए के पास जाता है। ये पूरा का पूरा जो एमपी का पास जो पैसा आता है, ये इसको गवर्नमेंट डायरेक्ट ट्रांसफ़र करती है, ठीक है, लोकल अथॉरिटीज़ को। इसके बाद इस पैसे का जो इस्तेमाल होता है वो कम्युनिटी एसेट्स के लिए होता है, क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स लाइक रोड्स, स्कूल, बिल्डिंग्स, इन सब चीज़ों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर इट मैक्सिमम। थैंक्स।